आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड में आपको अपना नेम करेक्शन कराना है, या आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करानी है, या फादर नेम सही करना है, इवन आपको अगर अपना जो पैन कार्ड में सिग्नेचर है अगर उसको भी अपडेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। थोड़ा अपडेटेड प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है पैन कार्ड पे अपने नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर, इन सभी को आप कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वेबसाइट पे जाके आप इन सभी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप में आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, चेंज अवर करेक्शन, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ये कैटेगरी का शो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है सिर्फ। जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका टाइटल रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स अपनी डालनी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम। ये आप डालने के बाद बाकी आप डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने के बाद यस करना है और पैन कार्ड नंबर डाल के सबमिट करना है। आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, टोकन नंबर आपको नोट कर लेना है और कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा, आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ये, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल फिर करना है, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको जो फोर डिजिट आखिरी का जो आधार कार्ड का नंबर वो डालना है, और आपको नेम ऑफ नेम एज पर आधार कार्ड ओनली, आधार कार्ड पर जो नाम है वो मेंशन करना है। आपको अपना यहाँ पे टाइटल डालना है और नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम डालना है। जैसे आप इसको फिलअप करेंगे नीचे आपको डिटेल्स यानी कि जो आपको करेक्शन करनी है, मान लीजिए हमें डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करनी है तो डेट ऑफ बर्थ पे आपको टिक करना है, या आपको जेंडर सही करना है मेल फीमेल तो वो टिक करना है। आपको अगर फ़ोटो वगैरह चेंज करनी है तो वो सब भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हो या अनटिक कर सकते हो, या आपको सिग्नेचर चेंज करना है ये। तो जैसे ही आप जो भी आपको जो के हिसाब से चेंज करना है वो टिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। हाँ, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम का लास्ट नेम डालना है। मान लो आपका फादर नेम महेश प्रजापति, तो पहले प्रजापत आएगा यहाँ पे, फिर फर्स्ट नेम में महेश आएगा। वैसे आप मदर नेम डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको डालने की आवश्यकता नहीं है। नीचे आपको फादर नेम पे टिक करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल रहे और ऑफिस है उसको आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, रेसिडेंट पे क्लिक करना है, आपको ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी चेंज करना चाहते हैं उसके हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें आपको इंडिया का कोड डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और मेल आईडी डालनी है। जैसे आप ये सभी चीज़ें भर देंगे तो नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये है कि आपका ऑलरेडी पहले से कोई अगर पैन कार्ड है तो वो यहाँ पे डालना है, नहीं डालना तो आप कोई बात नहीं, आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा आई या वी हैव इनक्लोज्ड, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन डालूंगा, तो फर्स्ट में आधार कार्ड का हम इशू बाय यूनिक आइडेंटिफाई ये सिलेक्ट करेंगे, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी सेम चीज़, और प्रूफ ऑफ पेन में आपको नो डॉक्यूमेंट रहेगा। नीचे देखिए आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, कॉपी ऑफ पेन भी है, कॉपी ऑफ पेन अलॉटमेंट लेटर भी है, और नो डॉक्यूमेंट। तो मैं नो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही नो डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे आपको आगे बढ़ना है, डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। यहाँ पे हिमसेल्फ डालना है सेकंड बॉक्स में, देन उसको आप यहाँ पे, अब मैं आपको बता दूँ कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, मान लो हमने ऊपर सेलेक्ट किया क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ की ना, आधार कार्ड ही तीनों बॉक्स में, वैसे यहाँ पे हमें एक सेलेक्ट करना है, हमने एक डॉक्यूमेंट दिया है। यहाँ पे आपको प्लेस डालना है जिस प्लेस से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द पार्ट वीडियो का जो मेन पार्ट है यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। मान लो आपको पैन कार्ड पे पुरानी कोई फोटो जो पसंद नहीं है वो आप यहाँ डाल सकते हो। सेकंड बॉक्स में सिग्नेचर डालना है इस वाले में, ठीक है। इन चीज़ों का फॉर्मेट जो है फ़ोटो और पैन कार्ड का, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों सेम होना चाहिए। जैसे ही सेम रहेगा उसके बाद आप नीचे सिलेक्ट करेंगे, ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और नीचे आप सबमिट देख पा रहे हो उस पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको ये पेमेंट के मेथड पे लेके जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको छोटी सी डिटेल्स डालनी है, आधार कार्ड के जो आखिरी के 8 डिजिट है वो आपको फिल करना है यहाँ पे,
जैसे आप फिल कर देंगे आप बाकी डिटेल्स आप चेक करके आगे प्रोसेस करना है इसे। जैसे आप इसको प्रोसेस कर देंगे ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक प्रोसेस का ऑप्शन दोबारा आ गया, वो क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम पे क्लिक करके आपको 106 रुपये की पेमेंट कर देनी है। ठीक है, ये देखिए 106 रुपये की पेमेंट आ गई है। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको आई एग्री पे टिक करके प्रोसेस टू पे क्लिक करना है और पेमेंट कन्फर्म करनी है। अब आपको ये बारकोड के द्वारा स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं या आप अपना UPI नंबर डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना UPI नंबर डालना है, मान लीजिए आपका कोई मोबाइल नंबर है और आपका पीछे @YBL लगता है तो वो डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस पे सक्सेस दिखेगा। जैसे ही आप सक्सेस करेंगे क्लिक, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे डिटेल्स आपको और कंटिन्यू करनी पड़ेगी इसको ना। यहाँ पे आप इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है, ये मेन पार्ट है, ये भी ज़रूरी होता है। तो इसको करने के लिए हम वीडियो के नीचे में आएंगे और टिक करेंगे इस पर और ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे OTP जनरेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो यहाँ पे डाल के आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड पे एक OTP जाएगा जो जिस नंबर से रजिस्टर्ड है आधार कार्ड, उस पर ये डालने के बाद आपका जो पैन है एप्लीकेशन वो अप्लाई हो चुका है। आप इसका जो पासवर्ड होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर 1998 है तो यहाँ पे सिर्फ 22/12/1998 डालना है, बीच में स्लैश वगैरह कुछ नहीं डालना है और ये आपको ओके करके देखना है। ये आपका बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। इस तरीके से आप एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपने चेंज के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद आपको जो मेल आईडी आपने दी थी, हाँ, उसमें आपको एक मेल आईडी रिसीव होगी कुछ दिनों के बाद। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये पैन कार्ड आपका बन के रेडी हो चुका है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो या आप इसको निकलवा सकते हो। तो